यहाँ पे हो रही है खातिरदारी, देखो जरा आज ही बनाया हमने ये, तो फिर मम्मी लोग आ गए, फिर मम्मी लोग को ही दिया टेस्ट करने के लिए। पापा भी आए हैं, सब अपने रिश्तेदारों से ना देख सके खराब कर भी खा लिया। दीदी लाओ ना, पीनी ले लो, ले लो ना, ले लो लो आधा ले लो, मम्मी खांचा आधा हम तो बना बना के बस प्यास ही मत्ती लागे जा, मैं आज भजला था जा, मैंने पीनी थी खाना ओनली सेल रोटी हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज स्वाति गुरुंग एंड लेट्स स्टार्ट टुडेस ब्लॉग। हजूर नहीं होता वो मैंने लगाई थी, वो चली गो, वो लगायो नहीं क्या रे त्यो, जिस में हमने चार्जर लगाते हो नहीं त्यो कनेक्टर लगायो त्यो उता वाला स्विच खराब आ रही, बाहरा वाला भीतरा वाला स्विच में इस तरी तार लगाए कर देगो तो आई गो, हाँ बाहरा वाला वो लूज भैया जा। सो ये मैंने कर्ल्स के लिए कर रखा है, मैंने बाल देखती हूँ कि ये अगर कर्ल अच्छे से होता है तो फिर मैं शादी, क्योंकि आ रहा है शादी सीजन, सीजन भी आ रहा है तो उस पर भी मैं ऐसा कर्ल्स करूँगी, क्योंकि हीट कर्ल्स में बहुत ज़्यादा बाल ख़राब होते, जितने तो स्ट्रेट में भी ख़राब नहीं होते उतने तो हीट कर्ल्स में ख़राब होते, इसलिए नेचुरल कर्ल्स में बिलीव करती हूँ मैं, ये या फिर वो पेपर वाला, ठीक है। तो अगर मेरा इससे हो गया तो फिर मैं शादी के टाइम पे यही करूँगी, बट राइट नाउ लेट्स चेक कि ये कैसा हुआ है। सो गाइस लुक एट दीस कर्ल्स, एंड इतना परफेक्ट कर्ल्स तो मैंने लाइक ऐसा नहीं बोलूँगी कि ऐसे परफेक्ट कर्ल्स और किसी और चीज़ से नहीं आ सकता, और हीट कर्ल्स, बट हीट कर्ल्स विल डैमेज योर हेयर फॉर श्योर, फॉर श्योर। जैसे उस टाइम पे, जिस टाइम पे आप कर्ल्स करते हो उस टाइम पे तो इट लुक्स परफेक्ट बिकॉज वो लोग स्प्रे यूज़ करते हैं ब्ला ब्ला स्टफ, तो उस टाइम पे इट विल लुक परफेक्ट, बट द नेक्स्ट डे व्हेन यू वॉश योर हेयर आफ्टर दैट तुमको आप लोगों को अपना बाल बहुत ही थोड़ा सा रफ रफ नीचे से लगने लगेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है बाल उस कर्ल्स में, जितना तो स्ट्रेट में भी नहीं होता है। सो दिस इज़, ये मैंने इसको मैंने हाफ क्या बोलते हैं हाफ एन आवर के लिए रखा है सिर्फ, बट अगर आपको अच्छे कर्ल्स चाहिए, मेरे को तो जल्दी हो रहा है इसलिए मैं हाफ एन आवर्स के लिए रखा, बस मेरे को देखना था कि होगा या नहीं, तो हो रहा है तो येस मैं इसको जब नेक्स्ट टाइम करूँगी तो आई कीप इट फॉर 2 आवर्स, येस। सो बहुत ही परफेक्ट, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। सो गाइज फाइनली आई एम रेडी, एंड मैं तो ये बोलने भूल गई थी हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू गाइज एंड हैप्पी दिवाली, दिवाली तो हम लोग साथ में मनाने ही वाले हैं, येस राइट, बट हम लोग धनतेरस की अभी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं इसलिए मैं रेडी हो गई हूँ। सो धनतेरस की शॉपिंग रात को कर रहे हैं क्योंकि दिन को बहुत ज़्यादा भीड़ थी, रात को भी भीड़ होगी, लेकिन जो जिनके लिए यू नो ट्रांसपोर्टेशन वाला जो वो जो गाड़ियाँ चलती है उसमें सफ़र करना ईजी होता है तो वो लोग दिन में भी होते हैं, ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा भीड़ होती है, रात को थोड़ा कम हो जाएगा, तो हम लोग ऑलमोस्ट 7 बजे के आसपास जा रहे हैं, तो या ऑब्वियस सी बात है रात को भी भीड़ होगी बट इतनी नहीं होगी। सो अभी चलते हैं एंड देखते हैं कि आज धनतेरस क्या लेते हैं। वैसे तो मैंने सोच लिया क्योंकि मेरे को एक नोज रिंग लेना ही था, सो वाई नॉट ऑन धनतेरस, राइट। सो लेट्स गो। हाँ पे मम्मी निकाल रहे हैं कार, मैं कट्टा में घुसी कट्टा में कुट्टा घुसी हूँ बदतमीज कट्टा, चलते हैं। क्या कोई हो मैं कुछ और कल उतरने वाला है, उतरने वाला है कल, ये और इसमें क्यों फर्क है? ये तो नहीं हुआ मानो, ये बड़ा नहीं है। अरे ये जाएगा कलर जाएगा? ये वाले नहीं है, कोई बात नहीं, ये वाले मन दिया जलाई रहना। हाँ चला गिरा था, ठीक लगाना 100 रुपये में, ठीक है। कितने लेंगे आप?
इसलिए क्या है राजा। और ये वाला सस्ता वाला नहीं है, सस्ते वाले हैं वो अपनी साइड में, ये चला है वो 30 रुपए का है, ये एक्सरोडी ये अंदर वाला होता है ना, इसमें नहीं है वो। अभी पल्टन बाजार में हैं और यहाँ पे शॉपिंग चल रही है हमारी अलग से, दीदी लोग भी आ रखे हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ज्वेलरी शॉप में, यानी कि सुनार की दुकान। टैटू करी रहा था क्या? अरे 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 घुसी रहा चाहिए। यहाँ पे सब ज्वेलरी शॉप है, तो यहाँ पे ज्वेलरी के शॉप में इतनी भीड़ हो रही है, पापरे एक फूल वाला भैया ले परेशान करती हो। हमारा है ये कुमार ज्वेलर्स, दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, ये वाला है फूल वाल लगा हुआ है, ये वाला वही ना, यो तो यो वाला हो, हमें गुस्से का छुम इतना उधर आ रहा हूँ बटो चलने वजह जरूर कोई भी बनाई दी चुका। ये वाला अच्छा लग रहा था मुझे, बट इसमें कलर की वजह से अच्छा नहीं लग रहा है। ले जुला देते नहीं कता गए थे लटकन वाला, ये हो रहा है मैडम, क्या रहा भाई फोटो मार सबसे पहले कता गए, इसमें एक पसंद आया था जो नहीं आया वो निकल गया, पता गया कोई ए, एक मोती था, ये था नग और उसके नीचे लटका हुआ नग था, ये है क्या? ये भी अच्छा लगे चल अब दिखा दो, दिखा दूँ आप जो पसंद आ रही वो निकाल दो, फिर उसके बाद और दिखा दो। तो ये साइड में रख दे है ना, ये वाला है आप वो वाला नहीं है दिखा दो, ये ठीक है, हाँ ये ठीक है। आगे वाला, आगे वाला नहीं है, अच्छा भी है, अटैचेबल भी है, इतना ज्यादा टाइट लग रहा है जो अच्छा भी है, लगवा दूंगा अजय राम लगे चारे ये मुझे ना बिल्कुल ही टिप्पा पड़ेगा, ये ऐसी अच्छा लगता है साथ में अटैचेबल ही लगता है, ये तो लगता ही है साथ में अटैचेबल, अच्छा लूज नहीं लगेगा, अच्छा नहीं चाहिए वरना तो लूज चाहिए, तो ये पहन के ट्राई कर लो अभी पता चल जाएगा फर्क, ये लो ये ठीक लग रहा है ना, मेरे फेस मेरा फेस बड़ा है ना तो उसमें छोटा बहुत ही छोटा लग रहा है, ये ठीक है वाला साइज है ना, ये दिख ही रहा था, ये तो मेरे नाक में बहुत, हाँ ये उसको वो भी दिख ही रहा था नाक, कसला पता चल रहा है ये वाला ही ठीक लगे वो लाइट चमके यो चांदी को कटोरी प्लेट ले रहा जिठिया वाले, हो गया शॉपिंग। हाँ दी अनिंग अपनो ही नाम लिखे रहे थे भैया ने, कुमार ज्वेलर्स लिखे थे इसमें ही, हाँ
सजा था पूरा। भैया जाम अबा भाई को दीदी फेरी होता गए पाउंड दीदी ली रहा था पता नहीं वो। उसके बाद मैं गई थी KFC के, उसमें वहाँ पे एक सॉन्ग बज रहा था इसलिए मेरे को ये वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो निखिल ने मंगाया था बोनलेस स्ट्रिप, तो मैं वही ले रही थी और मैंने अपने लिए भी ले लिया चिकन पॉपकॉर्न। मुझे चिकन पॉपकॉर्न बहुत पसंद है, बट मुझे ना अलबेक का ज़्यादा पसंद है चिकन पॉपकॉर्न। वो लोग बहुत अच्छा क्रिस्पी बनाते हैं और वहाँ का फ्रेंच फ्राइज भी अलग टाइप का होता है। सो बट अभी हमने KFC से लिया है, सो अब ये ले कर फिर हम लोग चलते हैं। द प्लेस वेर आई यूज टू वर्क, ये ऊपर दिख रहा है आपको ट्रॉय, वहाँ पे पहले USB था, अर्बन स्पोर्ट्स क्लब वो लिख रखा है साइड में। तो वहाँ पे पहले मैं जॉब करती थी, यहाँ पे ऊपर गेम क्लब था। मैं लूंगी निखिल का रिएक्शन, उनको नोज ड्रिंक पसंद नहीं है। वही कता गया, देखो देखो कैसा लग रहा है, देखो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है पक्का। तू तो अरे नोज ड्रिंक अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लग रहा है। सच सच बताओ, सच सच मेरे को नहीं लगता अच्छा है, तुम्हारे पे अच्छा लग रहा है, मेरे को नहीं लगता अच्छा। मैं अच्छा नहीं लग रहा बोलूंगा तो क्या फायदा रहेगा, बट ये वाला अच्छा लग रहा है ना। बता तुम मेरे को ये बताओ कि मेरे ऊपर अच्छा लग रहा है, मतलब मेरे ऊपर क्या मतलब ये अच्छा लग रहा है नहीं मेरे ऊपर। नोज रिंग अच्छा है बट मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मतलब मैं अच्छी नहीं हूँ, नोज रिंग अच्छा है। मेरे को नोज रिंग नहीं पसंद ना, नोज रिंग मत देखो, मेरे ऊपर अच्छा लग रहा है नहीं ये बताओ। पता नहीं अब तो, ये पहले तो पता भी नहीं चलता तुम्हारे नोज रिंग का, ये तो पता चल रहा है कि तुमने नोज रिंग लगा रखा है इसलिए मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। कितने गंदे हो ना तुम, मेरे को क्यों पूछ रही हो भाई, तुमको मेरे को तो अच्छा लग रहा है। It was for... So guys, good morning. और आज मैं बना रही हूँ ये क्या होता है, ऐसे बोलते हैं क्या बनाते हो, बटूक, मतलब हमारे गोरखाली में इसे बट्टू बोलते हैं। और ये मैं पहली बार बना रही हूँ, मुझे आता भी नहीं था, तो YouTube पहले तो मम्मी ने बताया, फिर उसके बाद वो पेस्ट गीला बन गया था, मुझे बना लगा कि अब नहीं बनेगा ये मेरे से, बट मुझे पता नहीं था कि ये बनता कैसे। तो मैंने YouTube वीडियो देखा, फिर उसमें वो पानी लगा के घुसा रहे थे, तो मतलब डाल रहे थे उसमें, तो इस तब मेरे को लगा वो अच्छा पानी लगा के करते हैं, क्योंकि इसमें काला दाल होता है तो वो स्लिपरी हो जाता है, इसलिए पानी लगा के वो आराम से जा सकता है। सो मैं वही कर रही हूँ अभी, अभी पता नहीं है टेस्ट कैसा है। तो आज काक मतलब कौवा त्यौहार है हमारे में, काक तिहार बोलते हैं, तिहार बोलते हैं दिवाली को, एंड काक मीन्स क्या बोलते हैं कौवा, तो कौवा पूजा है आज। तो ये बन के पहले सबसे पहले कौवा को चढ़ेगा, तो फिर उसके बाद ही और उसके बाद ही हम लोग खा सकते हैं इसको। तो अभी बना रही हूँ मैं ये, लेट्स सी। सो गाइज, मैंने ना एक चीज़ मंगाया था, वॉल हैंगिंग था, मैक्रेम बोलते हैं जो उसका, तो देखते हैं इसको खोल के कि कैसा आया ये। मैं ट्राई कर रही हूँ या तो वॉशरूम में या फिर इधर क्या बोलते हैं मेरे एक्सरसाइज का जो इक्विपमेंट्स वगैरह है वहाँ पे सामान रखने के लिए, या यू नो ग्रीनरी वाला पॉट रखने के लिए छोटा छोटा, वो देखती हूँ मैं अगर ये कैसा आया है। मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैंने इसको वो वाले कलर में मंगाया, ग्रीन कलर होता है ना बिल्कुल, और कौन सा ग्रीन बोलते हैं तो मुझे याद नहीं है इस ग्रीन को, वेरी बैड विद यू नो नेम्स, कलर के नेम्स। तो ये है एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। अच्छा अच्छा लुक नाइस यार, बट इसका ये थ्रेड पता नहीं कौन सा उसका है, कॉटन मटेरियल है ये, देखो
मैं आपको ना इसको बैक कैमरे से दिखाती हूँ ताकि आपको ना बिल्कुल अच्छे से दिख जाए, बट मैं आपको इसको हैंग करके भी दिखाऊंगी कैसा लग रहा है ये। सो एलिगेंट, सो ब्यूटिफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। सो ये तो मुझे करना ही था फॉर दिस। ये ना बहुत ही सटल और ये ना पूरा वॉशरूम का लुक ही बहुत ही डिफरेंट कर दे रहा है। तो इस वॉशरूम को मैं बिल्कुल अच्छे से डेकोरेट करके फिर उसके बाद वॉशरूम टूर भी दूंगी, बट ये बहुत ही प्रिटी लग रहा है एंड इट वॉज जस्ट फॉर 600 रुपीज़ एंड सो वर्थ इट, लव्ड इट।